YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिसार में कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने जन जागरूकता अभियान के तहत दौरा किया और वहां पर उन्होंने महावीर कॉलोनी, सैनी धर्मशाला, पुरानी सब्जी, धौला कुआं, ऑटो मार्केट सहित अन्य स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर पहुंचे और इस दौरान लोगों ने सांसद राजकुमार सैनी का जोरदार स्वागत भी किया। और इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो अगले साल 2 मार्च 2019 को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारी की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों की मांगे मान लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों और हरियाणा में भेदभाव और जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए और कहा कि उन्होंने जातिवाद और भेदभाव की राजनीति कर प्रदेश को बांटने का काम किया है। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में है, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी घर घर में बंटी हुई पार्टी है। साथ ही उन्होंने जाट नेता यशपाल मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि यशपाल मलिक आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं और ज्यादा रुपया देने वाले लोगों से उनकी जेब खाली करवाई जा रही है। जिस प्रकार से 5 मुख्यमंत्रियों ने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बैकवर्ड क्लासेज और गरीब तबके और बाकी सभी जनरल कैटेगरी के साथ जो भेदभाव किया गया, 5 मुख्यमंत्री जाति विशेष से अपने अपने लोगों को बूस्टअप करते रहे, 10% लोगों ने 50% पे कब्जा कर लिया, फिर आरक्षण चाहिए। भजनलाल, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल और बंसीलाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, इन 5 मुख्यमंत्रियों ने जाति विशेष से जुड़े हुए हैं और इन सभी ने एक ही काम किया, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद। ये रथ यात्रा नहीं है, मैयत यात्रा है सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस की मैयत यात्रा को बहुत सारे लोग डो रहे हैं। कोई साइकिल से डो रहा है, कोई रथ से डो रहा है। धंधा करते हैं उनसे निजात गंदगी को जो है ना, यही सफाई कर्मचारी धोते हैं और इनको एक पुख्ता रोजगार दिया जाना चाहिए, अन्यथा 2019 में अगर हमारी सरकार बनी तो हम देख रहे।